तेरी किस्मत दा लिखिया तेरे तो कोई खो नहीं सकदा। जे उसदी मेहर होवे तो तेनू ओ मिल जाए जो तेरा हो नहीं सकदा। आप ही कहा करती थी, सुनहरे वक्त वक्त की बात होती है, हर वक्त का अपना रंग होता है, अपना असर होता है। अरे अपना वक्त पहचान सुनहरे, अपने वक्त से बाहर न निकल, जो निकली तो भटक जाएगी। आप ही मुझे सुनहरे कहकर बुलाया करती थी। पता नहीं मेरा नाम क्या था, मैं किसकी थी, कहाँ से आई थी। हाँ कोई लाया था, बालपन में ही आप ही के हाथों बेच गया, फिर उन्हीं की गोद में पली, उन्हीं की सुरताल भरी बैठक के झूलने में झूल झूल कर जवान हुई। और फिर सुनहरा उमड़ उमड़ आया, छुपाए न छुपता। आप ही कहती न धिए छुपाना, जो छुपाए न छुपे उसे क्या छुपाना। कभी मैं खिड़की से झांकती तो आप ही टोकती, ये क्या कर रही है बेटी, सयाने कह गए हैं जिसका काम उसी को साजे। अरे तेरा काम देखना नहीं दिखना है, तू नजर न बन मंजर बन, और जो देखे भी तो तू दिखने का घूंघट निकाल, उसकी ओट से देख। और फिर अभी वक्त देख सुनहरे, अभी तो शाम है, ये वक्त तो उदासी का है, दुख का है। शाम भई घन शाम ना आए, आप ही ये गुनगुनाने लगती। एक दिन आप ही का जी अच्छा न था तो मुझे बुलाया गया। आप ही लेटी हुई थी, सिराहने तिपाही पर सोडे की बोतल धरी थी, साथ ही नमकदानी भी। ये उन दिनों की बात है जब सोडे की बोतल के गले में शीशे का गोला फंसा होता था और ठां करके खुलता था। आप ही ने कहा, सुनहरे बोतल खोल, गिलास में डाल, चुटकी भर नमक घोल और मुझे पिला दे। मैंने नमक डाला तो झाग उठा, बुलबुले ही बुलबुले। आप ही ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, देख लड़की ये हमारा वक्त है, हमारा वक्त वो जब झाग उठे, हम में नहीं दूजे में उठे, दूजे में झाग उठाना यही हमारा काम है, खुद शांत और दूजा बुलबुले ही बुलबुले। जब तक झाग उठता रहे हमारा वक्त, और जैसे ही झाग शांत, समझ ले हमारा वक्त बीत गया। फिर आप ही लेट गई, कहने लगी, सुनहरे मेरी बात फेंक न देना, दिल में रखना, ये भीतर की बातें हैं, ऊपर की नहीं, सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ी नहीं। आज मुझे वो बातें याद आ रही, बीती बातें, बिसरी बातें, एक खत्म होती तो दूजी शुरू हो जाती। आप ही की बैठक में हम तीन थी, पीली रूपा और मैं। पीली बड़ी, रूपा मंजली और मैं छोटी। पीली में बड़ी आन थी पर मान न था, उसकी आन में छब थी, सुंदरता थी, यूं रुआब से भरी रहती थी जैसे मिट्टिया रस से भरी रहती है, गर्दन उठी हुई मूर्ति के समान। रूपा वो सुर ही सुर थी, शुद्ध सुर, जैसे तारों से बनी हो, उसके बंद बंद के तार लगे थे, सुरतियां सुमरतियां वो गूंजते, मध्यम में गूंजते और फिर सुनने वालों के दिलों को झुला देते। तीजा मैं थी। आप ही कहती थी, सुनहरे तुझ में दुख की भीग है, तू भिगो देती है, खुद भी डूब जाती है, दूजे को भी डुबो देती है। अरे पगली, दूजे को डुबोया कर, खुद न डूबा कर, सच मुझे तो तुझसे डर लगता है।
सुनहरे किसी दिन ना तू हम सबको न ले डूबे। आप ही की बैठक वैसे कोई आम बैठक न थी कि जिसका जी चाह मुंह उठाया और चला आया। अब बैठक पर तो धन दौलत का जोर चलता ही है, वो तो चलेगा ही, पर आप ही ने बर्ताव का ऐसा रंग चला रखा था कि उसकी बैठक में खाली धन दौलत का जोर नहीं चलता। मुझे वो दिन याद आते हैं जब हमारे यहाँ ठाकुर साहब की बैठक लगती थी। 2 महीने में एक बार ज़रूर होती थी उनकी बैठक। ठाकुर की बैठक लगती तो कोई दूजा नहीं आ सकता, सिर्फ ठाकुर और उसके संगी साथी। ठाकुर भी बड़ा अजब था, ऊपर से देखो तो रीच ताकत से भरा हुआ, अंदर से झांको तो बच्चा, नरम नरम गरम गरम। पर हाँ, था आन भरा मान भरा, संगीत का रसिया। यूं लगता था जैसे उसके भीतर कोई लगन लगी हो, कोई धुनी रमी हो, जैसे कोई आरती सजी हो। ठाकुर की हमारे यहाँ कद्र भी बड़ी थी, बहुत इज्जत करती थी आपी, भरोसा भी करती थी। ठाकुर ने भी कभी किसी पर नज़र नहीं उछाली, हमेशा झुकाए रखता। पीता ज़रूर था, पर ऐसे कि ज्यों ज्यों पीता जाता उल्टा मध्यम पड़ता जाता। आँख की चमक गुल हो जाती, आवाज़ की कड़क भीग जाती। उसका नशा ही अनोखा था, जैसे बोतल का ना हो, भीतर का हो। बोतल तो उसके लिए बस एक बहाना थी, बोतल चाबी भीतर के पट खोलने की। पीने के बाद कहता, डरो सखियों डरो, भीतर के नशे के सामने बोतल का नशा यूं हाथ जोड़े खड़ा है जैसे राजा के रूबरू नीच खड़ा है। डरो सखियों भीतर के नशे से डरो। मुझे क्या पता था कि ठाकुर के नशे का रेला मुझे भी ले डूबेगा। तो उस रोज ठाकुर की बैठक हो रही थी। बोल थे, गठरी में कौन जतन कर खोलूं, मोरे पिया के जिया में पड़ी रही। गीत ने कुछ ऐसा समा बांध रखा था कि ठाकुर झूम झूम जा रहा था। फिर कहो, फिर बोलो, एक बार और कहो, एक बार और बोलो, बस इसी का जाप किए जा रहा था। ना जाने किस गृह को खोलने की बात कर रहा था, कौन सी आरजू जगी थी, अपने मन या महबूब के मन की गांठ खोलना चाहता था। वक्त बीता जा रहा था, वक्त की सुध-बुध न रही किसी को। कभी कभी ऐसा भी होता है, वक्त जीवन से निकल जाता है कि कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, किसी को कोई सुध-बुध नहीं रहती। उस रोज का वक्त भी कुछ ऐसा ही था। अचानक घड़ी ने 3 बजे, आप ही हाथ जोड़े उठ बैठी और कहने लगी, क्षमा करो ठाकुर जी, माफ़ी मांगती हूँ, अब हमारा वक्त बीत गया है, अब बैठक ख़त्म करो। ठाकुर पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराया, ना आप ही ना, अभी तो रात भीगी है। आप ही ने कहा, ठाकुर साहब हम सूखे परों वाले पंछी, जब रात भीग जाती है तो हमारा वक्त भीग जाता है, और जो हमारे पर भी गए तो अडारी न रहेगी, फनकार में अडारी न रहे तो बाकी क्या रहा। ठाकुर ने बड़ी भिन्नते की, आप ही नहीं मानी, और महफिल टूट गई। हम तीनों आप ही के गिर्द घूम गए। आप ही ये वक्त का क्या गोरख धंधा है, रूपा ने पूछा। आप ही ने कहा, लड़कियों वक्त बड़ी चीज़ है, हर काम का अलग वक्त बना है। रात को गाओ बजाओ मिलो मनाओ मौज उड़ाओ, पर हाँ बस 3 बजे तक, फिर उसका वक्त है। उसके वक्त में पाँव नहीं धरना, उसने बुरा माना तो मारी जाओगी, और जो वो राजी हो गया तो भी मारी जाओगी। और देखो उसके वक्त के नेड़े नेड़े कभी ऐसा गीत न गाना जो उसे पुकारे, भजन न छेड़ना, डरो कहीं वो तुम्हारी पुकार सुनकर हुंकार न भर दे। और फिर वो दिन आ गया जब मैंने अनजाने में
वक्त का बंधन तोड़ दिया। उस रोज ठाकुर आया, आपी से कहने लगा, भाई कल ख्वाजा का दिन है, ख्वाजा की नियाज सारे गांव को खिलाऊंगा, आज रात ख्वाजा की महफिल होगी उधर हवेली में, सिर्फ अपने ही होंगे घर के लोग, सो तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ मेरे गांव। आपी सोच में पड़ गई, कहने लगी, ठाकुर साहब रूपा तो मान दी है, वो न जा सकेगी, वो न जा पाएगी तो गाएगा कौन, अब किसी और दिन रख लेना नजर नियाज। अरे ख्वाजा का दिन है, कैसे बदलूं, ठाकुर ने कहा। तो फिर किसी और मंडली को ले जाओ ठाकुर साहब। ख्वाजा की बात न होती तो ले जाता, उनका नाम लेने लायक मुख तो हो किसी का, मैं किस लायक हूँ जो उनका नाम ऊपर लाऊं। भाई बस एक तेरी ही बैठक है जहाँ पवित्रता है, जहाँ जिस्म का नहीं मन का ठिकाना है। आप ही मजबूर हो गए। उसने रूपा का ध्यान रखने के लिए पीली को वहाँ छोड़ा और मुझे साथ लेकर ठाकुर के गांव चली आई। रात भर वहाँ हवेली में ख्वाजा की महफिल लगी, घरेलू महफिल थी, ठाकुर की बहनें बहुएँ बेटियाँ ठाकुरानियाँ सब थी। आधी रात के वक्त महफिल इतनी भीगी कि सबकी आंखें भर आई, दिल डूबे, हापी का भी डूब गया। ठाकुर उसे महफिल से उठाकर अंदर ले गया शरबत शीरा पिलाने के लिए और फिर वहीं लिटा दिया। फिर ख्वाजा के गीत चले तो मैं भीग गई, आंखें भर भर आई, मैं हैरान, मैं तो कुछ मांग ही नहीं रही, मैं तो इल्तिजा भी नहीं कर रही, अरे मैं तो एक व्यापारी हूँ, पैसा कमाने के लिए आई हूँ, मेरी आंखें क्यों भर भर आई खामखा। सो मैं बिना सोचे समझे गाए चली गई, आंखें भर भर आती रही, दिल को कुछ कुछ होता रहता, पर मैं भीग भीग कर गाती रही। वक्त बीत गया और मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं उसके वक्त में पांव धर चुकी। आप ही भी नहीं थी जो मुझे टोकती, मुझे क्या पता था कि ख्वाजा कौन है, अरे मैंने तो सिर्फ नाम सुन रखा था, उसके गीत याद कर रखे थे, मैं तो सिर्फ ये जानती थी कि वो गरीब नवाज है, मैं तो गरीब न थी, मुझे क्या पता था कि मुझे भी नवाज देगा खामखां ज़बरदस्ती, मुझे क्या पता था कि उसमें इतनी भी सुधबुत नहीं कि कौन पुकार रहा है, कौन गा रहा है, कौन मंगता है, कौन खाली झोली फैला रहा है और कौन भरी झोली समेट रहा है, मुझे क्या पता था कि इतना दयालु है, इतना करीब, इतने कान खड़े रखता है, सच मुझे क्या पता था। फिर ठाकुर बोला, सुनहरी बाई बस बस एक आखिरी फरमाइश, ख्वाजा पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग न छूटे, धोबिया धोए जाए सारी उमरिया। फिर मुझे सुधबुद न रही, ऐसी रंग पिचकारी चली कि मैं भीग भीग गई और मैं ही नहीं सारी महफिल रंग रंग हो गई, अंग अंग भीगा, ख्वाजा ने रंग घाट बना दिया। घर पहुंची तो मानो मैं न थी, दिल रोया रोया, ध्यान खोया खोया, किसी बात में चित्त नहीं लगता, बैठक बेगानी दिखती, साज में खुशी न रही, सारंगी रोए जाती, उस्ताद निक्कू खां बजाते पर सारंगी रोए जाती, तबला सिर पीटता, घुंघरू कहते पाँव में डाल और बन को निकल जा, वहाँ उसका घूमर नाच जो डाल डाल और पात पात से झांक रहा है। रोज दिन में 3-4 बार ऐसा रोना आता कि मैं भय कर रोती, फिर हाल खेलने लगती, पीली हैरान, रूपा का मुंह खुला और आपी चुप, ये क्या हो रहा है, जब 8 दिन तक यही हालत रही बल्कि और बिगड़ गई तो आपी बोली, बस पुत्र बस, तेरा इस बैठक से बंधन टूट गया, दाना पानी खत्म हो गया, तूने उसके वक्त में पांव धर दिया, उसने तुझे रंग दिया, अब तू इस धंधे जोगी नहीं रही, पर कहां जाऊं आपी।
जिसने बुलाया है उसके दरबार में जा। रूपा ने कहा। आप ही कुछ नाराज़ सी हुई और कहने लगी, ये लड़की जाए जिसका सुनहरी पिंडा कपड़ों से बाहर झांकता है, ये जाए, ये कहीं नहीं जाएगी, इसी कोठरी में रहेगी, आज से बस बैठक में पांव नहीं धरेगी। फिर पता नहीं क्या हुआ, रोना ख़त्म हो गया। दिल में एक जुनून उठा कि किसी की हो जाऊँ, किसी एक की, तन मन धन से बस उसी की हो जाऊँ। वो आए तो उसके जूते उतारूं, पंखा करूं, पांव दबाऊं, सिर में तेल मालिश करूं, उसके सिरहाने खड़ी रहूं कि कब जागे, कब पानी मांगे। एक दिन आपी ने कहा, अब क्या हाल है धीए। मैंने रो रो कर सारी बात कह दी कि कहते हैं किसी एक की हो जा। बोली, कौन है, कोई नज़र में है? कोई नज़र में नहीं आपी। नाक नक्शा दिखता है? नहीं आप ही। कोई बात नहीं, जो खूंटी पर लटकाना मकसद है तो आप ही खूंटी भेजेगा। दूसरे दिन के बाद बैठक रंग से भरी हुई थी तो मेरी कोठरी का दरवाज़ा बजा। आप ही दाखिल हुई, बोली, ले ख्वाजा ने खूंटी भेज दी, अब बोल क्या कहती है, कौन है? मैंने पूछा। अरे कोई चौधरी है अधेड़ उम्र का, कहता है बस एक बार बैठक में आया था, सुनहरी बाई को सुना, तब से अब तक उसकी आवाज़ कानों में गूंजती है। बोल दिए, तू क्या कहती है? कहता है मुंह मांगा दूंगा। मैंने कहा, दे दे, साल भर के लिए बख्श दे, बाकी जैसी तेरी मर्जी। आप ही हंसने लगी, फिर बोली, चल चल बैठक में है, एक नज़र देख तो ले। नहीं आप ही, उसने भेजा है तो ठीक ही है, देखने का क्या मतलब। तो कितने दिनों के लिए मानू दिए? जिंदगी भर के लिए। आप ही सोच ले, जो लंपट निकला तो पड़ा निकले। अगले दिन बैठक में हमारा निकाह हो गया। आप ही ने खराते हुए कहा, सौदा नहीं कर रही हूँ चौधरी, अपनी धी विदा कर रही हूँ, और हाँ याद रख, ये ख्वाजा की अमानत है, संभाल कर रखियो। फिर हवेली यूं उजड़ी जैसे दैत्य फिर गया। सब कुछ था इस नई हवेली में, साजो सामान, सजावट, कालीन बिछे हुए, आदम कदाई ने, झाड़ फानू, सब कुछ, फिर भी हवेली भाएं भाएं करती। बरामदे में आराम कुर्सी पर छोटी चौधरानी मैं बैठी हुई थी। सामने तिपाही पर चाय के बर्तन पड़े थे, मगर खबर ही न थी कि चाय ठंडी हो चुकी है। खुद की सुध-बुध भी न थी कि कौन है, कहाँ है, क्यों है। जन्नत बीवी जो छोटी चौधरानी का खाना बनाती थी, दो तीन बार बरामदे के परले किनारे पर खड़ी होकर उसे देख गई। जब भी देखती तो उसकी आंखें भीग भीग जाती, पल्लू से पोंछती और फिर लौट जाती। सारे नौकर चाकर छोटी चौधरानी पर जान छिड़कते, उसके गम में घुले जा रहे थे, लेकिन साथ ही वो उस पर सख्त नाराज़ भी थे। उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मारी? जब चौधरी मरने से पहले होश हवास में अपनी आधी अचल जायदाद छोटी चौधरानी के नाम कर गया तो उसे क्या हक था अपना तमाम हिस्सा बड़ी चौधरानी के दोनों बेटों में बांट देने का? अगर एक दिन बड़ी चौधरानी ने उसे हवेली से निकाल बाहर किया तो वो क्या करेगी, किसका दर्द देखेगी? एक तरफ तो इतनी विरक्ति, इतनी बड़ी जायदाद अपने हाथ से बांट दी, और दूसरी तरफ यूं सोच में गुम तस्वीर बनकर बैठी रहती। सारे नौकर हैरान कि छोटी चौधरानी किस सोच में खोई रहती है, टूटती रात उसके कमरे से गुनगुनाने की आवाज़ क्यों आती है, किस ख्वाजा पिया को बुलाती है? ख्वाजा पिया मुरी लीजो खबरिया। अरे कौन खबर ले, कैसी खबर ले? छोटी चौधरानी पर उन्हें प्यार ज़रूर आता था, पर उसकी बातें समझ नहीं आती। छोटी चौधरानी सोच सोच कर हार जाती, मुझे चमन से उखेड़ा, बेल बनाकर एक दरख्त के इर्द गिर्द घुमा दिया, अब उस दरख्त को उखाड़ फेंका, बेल मिट्टी में मिल गई, अब ये किसके गिर्द घूमे, बोल मेरा जीवन किस काम आया। अचानक छोटी चौधरानी ने महसूस किया कि कोई उसके रूबरू खड़ा है। उसने सर उठाया, सामने गांव का पटवारी खड़ा था। क्या है,
वो बोली, जी मैं वो पटवारी हूँ छोटी चौधरानी जी। तू जा, जाकर बड़ी चौधरानी से मिल, मुझसे तेरा क्या काम? काम आपसे ही है छोटी चौधरानी जी। बोल क्या कहना है? गांव में एक दरवेश आए हैं, गांव वाले चाहते हैं उन्हें चंद दिन यहाँ रोका जाए, जो आप इजाज़त दें तो आपके मेहमान खाने में ठहरा दूँ। ठहरा दो जी। वो नौकर चाकर बंदोबस्त, वो रुक गए। हाँ सब हो जाएगा। पटवारी सलाम करके चलने लगा तो पता नहीं क्यों उसने सरसरी तौर पर पूछा, कहाँ से आए हैं? पटवारी बोला, अजमेर शरीफ से आए हैं, ख्वाजा नवाज के फकीर हैं। एक धमाका हुआ, छोटी चौधरानी की बोटियां हवा में उछली। अगली शाम छोटी चौधरानी ने जन्नत बीवी से पूछा, जन्नत ये जो दरवेश ठहरे हुए हैं यहाँ, उनके पास गांव वाले आते हैं क्या? जन्नत ने कहा, लो छोटी चौधरानी, वहाँ तो सारा दिन लोगों का तांता लगा रहता है, सुना है बड़े पहुँचे हुए हैं, जो भी मुँह से कहते हैं हो जाता है। अच्छा तो तैयार हो जा जन्नत, हम भी जाएंगे, तू और मैं। चौधरानी जी वो तो मगरिब के बाद किसी से भी नहीं मिलते। तू चल तो सही, चौधरानी ने खुद को चादर में लपेटते हुए कहा, और याद रख मुझे चौधरानी कहकर न बुलाना, खबरदार। जब वो दोनों मेहमान खाने पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। जन्नत ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जन्नत ने फिर दस्तक दी। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े खादिम ने दरवाज़ा खोला। जन्नत ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गई, पीछे पीछे चौधरानी भी। सफ़ेद दाढ़ी वाला घबरा गया, बोला, वो साईं बादशाह मगरिब के बाद किसी से नहीं मिलते। हम साईं बादशाह से मिलने नहीं आए, छोटी चौधरानी ने कहा। सफ़ेद दाढ़ी वाला घबरा गया, तो फिर? बस एक सवाल पूछना है, चौधरानी ने कहा। साईं बादशाह इस वक्त सवाल का जवाब नहीं देंगे। साईं बादशाह को जवाब नहीं देना, उनको बस पूछना है, वो बोली। जी किससे पूछना है? खादिम ने कहा। उससे पूछना है जिसके वो बालके हैं। ये सुनकर सफ़ेद दाढ़ी वाला खादिम सुन्न होकर खड़ा का खड़ा रह गया। छोटी चौधरानी ने कहा, साईं बादशाह से कहना कि वो पूछे। एक औरत तेरे द्वार पर खड़ी पूछ रही है गरीब नवाज, बता मेरा जुनून किस काम आया? कहना वो औरत पूछती है, मेरा जीवन किस काम आया? कमरे में मानो एक अजीब सी बोझिल सी खामोशी भर गई। तेरा जीवन किस काम आया? तेरा जीवन किस काम आया? सफ़ेद दाढ़ी वाले खादिम के होठ कांपने लगे। तू पूछती है तेरा जीवन किस काम आया, मेरी तरफ देख, सफ़ेद बालों वाले खादिम ने कहा। सुनहरी बाई मेरी तरफ देख कि तेरा जीवन किस काम आया। मुझे नहीं पहचानती? अरे मैं निक्कू खां, तेरा सारंगी वाला। देख देख मैं क्या था और क्या हो गया। उस्ताद जी आप? ठीक उसी वक्त साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खुला, एक भारी भरकम नूरानी चेहरा प्रकट हुआ। सुनहरी बीवी मुझसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया। छोटी चौधरानी ने मुड़कर देखा, ठाकुर साहब। ठाकुर ने कहा, सुनहरी बीवी हमसे पूछ तेरा जीवन किस काम आया। आज मालूम पड़ा कि सरकार ने हमें इधर आने का हुक्म क्यों दिया। उसने अपना सर सुनहरी बीवी के सामने झुका दिया और कहा, बीवी हमें आशीर्वाद दे।